पहले कि वहाँ बारिश हो उससे पहले हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त उसामा भाई भी हैं, और उसामा भाई को भी हम फार्म पे साथ ही लेके आ रहे हैं। पहले हम इनकी बाइक पे थे, फिर हमने कहा यार बंदे ज़्यादा हैं तो फिर हम अपनी बाइक ले लेते, तो फिर हमने अपनी बाइक ले ली। और अब आप व्यू चेक करेंगे, बादल जो है ना वो किस कदर तैयार खड़े हुए। कह रहे आओ तो ज़रा खुशबू लगा के। ये रहे बादल, ये चेक करो खाली बादल किस तरह के आए हुए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी हम लोगों ने दुआ तो सफ़र की पढ़ ली है, क्यों साहब भाई? तो भाई अब जो है हम कुछ रास्ते की क्लिप्स आपको दिखा दें। भाई जुम्मे की नमाज़ के बाद का टाइम है ये, और बादल की कंडीशन हो रही है बिल्कुल मगरिब के नमाज के बाद के वक्त के वाली। भाई सीन चेक करो आप खाली, सीन कैसा खतरनाक हो रहा है। और यासीन भाई बाइक को और तेज से और तेज भगाते चले आ रहे। यासीन भाई तो वापसी जिंदा पहुंचे भाई। बादल चेक करो, बादल देख के तो हमारी भाई को गा 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 गा। बराबर में कोई आ गया ना सब चेक करा देगा, मोबाइल निकालो। अरे अब क्या, अब तो आदत हो गई कराची वालों का, मजलूमों को आदत हो गई थी, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो भाई चलते रहो चलते रहो। तो भाई मेरे ख्याल से इतने बादल बहुत हैं, बाकी हम फार्म पे चल के बादल देखते करीब पहुंच के, फिर हम आपको वहाँ के करीब पहुंच के थोड़े से बादल और दिखा देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर करीब पहुंच के बादल। तो दोस्तों सीन हो गया ऐसा कि हम आपको फार्म के करीब जाके हालात दिखाने वाले थे, मगर बारिश यहीं से स्टार्ट हो गई। यासीन भाई आपके कहीं बूंद पड़ी भी है तो दिखाएं। चेक करो भाई, बूंदे ही बूंदे आ रही है यासीन भाई के जिनके भाई, और हेलमेट यासीन भाई ने लगा ली है। बाकी देखें आप लोगों को हम रास्ते को इंजॉय कराने के लिए कैसे अपनी जान हथेली पे डाल के मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने, भूलना नहीं है। वही सीन कुछ ऐसा है, बारिश हो गई है तेज और रोड हो गया है बिल्कुल गीला। इधर बादल हैं, उधर सूरज है, सीन जो है ना यहाँ पे हो गया सब गीला गीला। यहाँ सारे सूट खराब हो गए हैं यासीन भाई के, और फिर भी हम रवा दवा है फार्म की तरफ, क्योंकि अपन झुकेगा नहीं साला जाके रहेंगे। आप जैसे कि पूरा कचाकच गीला है बिल्कुल, रोड चकाचक गीला हो रहा है। और ये वाला व्यू चेक करो भाई, मंगो पीर के पहाड़ नजर आ रहे हैं भाई। यहाँ से कटीबाड़ी के पास जाएंगे, कटीबाड़ी नहीं मंगो पीर अलग है खाओ भाई। और यहाँ पे जो है वो दरियाए चुनाब खुल गया है, सैलाबी रेले, सैलाबी रेले इस तरफ, और हम रवा दवा है। और हालांकि अभी 2 रुपए की बारिश भी नहीं हुई है, अभी 2 रुपए की भी बारिश नहीं हुई। हकीकत बात है यासीन भाई, यासीन भाई तो कह रहे हैं तो सर्दी है। अरे यासीन भाई को सर्दी लगने लग गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। हम फार्म के बे इंतहा नज़दीक पहुँच चुके हैं, और अगर किसी भाई को फार्म का कंफर्म एड्रेस चाहिए हो तो वो कमेंट में बता सकता है, मैं उसको जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा मैप का, उससे आप आसानी से हमारे फार्म पे आ सकते हैं भाई। और दोस्तों ये चेक करो आप यहाँ का माहौल, मज़े अलग है भाई, लगा रहा है। ये देखें आप कचरा नाला वाला, मगर बारिश की वजह से जो है वो खुशबू अच्छी आ रही है, हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी। आगे चलते हैं और आगे चल के फार्म पे देखते हैं क्या हाल है। तो भाई फार्म पे पहुंच गए हैं, और आपको एक जानवरों का ओवरव्यू दिखा देता हूं। अभी सबका चारा चल रहा है, सब मज़े में, सारे माल को करीब से देख लेते हैं। आज का व्लॉग शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि बारिश में हालात ख़राब हैं काफ़ी, और थोड़ी बारिश रुकी है अभी,
तो ये है कि हम फौरी ही वापस निकलने के बारे में सोच रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर लगाएंगे। और ये यहाँ से वो हटा दिया ताकि हवा सही आती रहे, नेक्स्ट चक्कर जब लगाएंगे फिर इनको खोल के दिखा देंगे। ठीक है भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।